स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइको सोशल थ्योरी यानी मनोसामाजिक विज्ञान के बारे में, जो हमें दिया था एरिक एरिक्सन ने। उन्होंने पूरे लाइफ साइकिल को 8 स्टेजेस में बांटा था। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पूरे 8 स्टेजेस को पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किसमें क्या ऐसी खास बात थी। और जितने CDP के कंटेंट है, उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर CDP रिलेटेड कंटेंट। एरिक एरिक्सन जिन्होंने ये थियोरी दी थी, उन्होंने क्या किया, 8 स्टेजेस में बांट दिया। सबसे बड़ी थियोरी है ये, जितनी भी थियोरी हमने पढ़ी है उन सब में सबसे ज्यादा बड़ी थियोरी है। 8 स्टेजेस है और सारी चीजें लाइफ क्राइसिस के ऊपर डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं हमेशा हर बार आप देखोगे कि एक अच्छी चीज है, एक बेकार सी चीज है, और दोनों के बीच में हमेशा हमारी लाइफ और जो हमारी पर्सनैलिटी है वो डेवलप होते रहती है। उसी के इर्द गिर्द हमेशा हम डेवलप होते हैं। बर्थ से लेके डेथ तक का, बिल्कुल इन्होंने जन्म से लेके मृत्यु तक को स्टेजेस में डिफाइन कर दिया है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं, बिकॉज पूरा लाइफ स्पैन इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। और साथ में इसको साइको सोशल थ्योरी भी कहते हैं, जहाँ पे साइको वर्ड का मतलब होता है पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है। जो जितने भी स्टेजेस हैं वो सारे प्री डिटरमाइंड है, पूर्व निर्धारित है, इसमें हम कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसी सी हैं। तो वो कौन से 8 स्टेजेस हैं? तो सबसे पहला स्टेज है हमारे पास अर्ली इन्फेंसी, जो टाइम पीरियड है वो अर्ली इन्फेंसी का है। और पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। देन सेकेंड स्टेज है टॉडलर, यानी बच्चे जब पैर पे चलना शुरू कर देते हैं, 2 या 4 पैर बना करके चलने लगते हैं। ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम शर्म और डाउट अंदर में जो है उसके बारे में बात हो रही है। थर्ड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड का, जहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। फोर्थ स्टेज है मिडिल चाइल्डहुड का और लेट चाइल्डहुड का, जहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी है, खुद को किसी से कम आंकना इंफीरियोरिटी है। देन स्टेज 5 है प्योर एडोलेसेंस फेज, जहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, कि क्या हम करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये कन्फ्यूजन है यहाँ पे। स्टेज 6 है यंग अडल्टहुड और इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेट रिलेशनशिप्स में है या खुद को आइसोलेट महसूस करते हैं, ये इसके बारे में है। मिडिल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड इज अबाउट जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, हम क्या नया जनरेट कर रहे हैं और स्टैग्नेशन, क्या हमारे आइडियाज रुके हुए हैं, स्टैग्नेंट है, हम चीज़ों को सोच रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एंड लास्ट इज ओल्डर एडल्टहुड, जो एडल्टहुड सॉरी ओल्डर एडल्टहुड और ओल्ड एज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंटीग्रिटी वर्सेज डिसअपेयर, या तो हमने कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट अपनी लाइफ में कर रखा है, छोटी छोटी चीज़ें, हर बार ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा नाम फेम हो तभी हम इंटीग्रिटी हमारे अंदर आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने छोटी छोटी चीज़ें जो अपनी लाइफ में कर रखी होती है, हम उससे बहुत मुतमईन बहुत खुश होते हैं। तो जब ऐसा होता है तो ओल्ड एज में जाते जाते हमारे पास एक इंटीग्रिटी का सेंस रहता है। अदरवाइज जब डिसअपेयर होता है कि हम ये कर सकते थे, हम वो नहीं कर पाए, ऐसे वैसे, ये सारी चीज़ें। तो ये देखो यहाँ पे 65+, यानी कि कहीं ना कहीं 65 के बाद डेथ तक की बात हो रही है। और यहाँ पे 1-2.5 ईयर्स, अभी बच्चा एकदम पैदा हुआ है उसी समय से ये स्टेज चलते आ रही है। शुरू करते हैं स्टेज 1 से। यहाँ पे क्या बात हो रही है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की। बच्चा बर्थ से लेके 1-1.5 साल तक के आसपास का है। वर्चू यहाँ पे क्या चीज हो रही है, तो यहाँ होप आ रहा है। जो फीलिंग यहाँ इन्वॉल्व है वो है होप। इम्पॉर्टेंट इवेंट है फीडिंग, खाना खिलाने वाला इवेंट है जो काम कर रहा है पूरे इस स्टेज में। साथ में यहाँ पे हम ये देख पाते हैं कि जो बच्चे हैं वो सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो गेन करते हैं अपने केयर गिवर्स के द्वारा। देखो केयर गिवर्स जो है यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी केयर गिवर्स जो मम्मा पापा हैं वो हैं, और एक सेकेंडरी केयर गिवर्स जो कि थोड़े दूर के रिलेटिव्स हैं या कभी मिलने आए वैसे वाले लोग हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे अगर केयर गिवर्स द्वारा ट्रस्ट की भावना उनके अंदर आई है, वो रिलायबल सोर्स हैं बच्चों के, तो उनके अंदर केयर अफेक्शन ये सारी चीजें उनको टाइमली मिली हैं, तो ये वो भी शो करेंगे दूसरे को। और अगर ये चीज नहीं मिली है टाइमली, उनको जितने उनकी जो नीड्स है उनको केटर नहीं किया गया है, तो मोर और लेस उनमें मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है, वो भरोसा नहीं करते हैं। जैसे कि मदर फादर दोनों वर्किंग है, उन्होंने क्या किया,
एक घर में किसी को भी केयर गिवर को रख दिया है, ठीक है। तो अब बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे मम्मी पापा की तरफ से उसका मिसट्रस्ट आ जाएगा, कहीं पे वो नहीं है, लेकिन उसका जो अटैचमेंट है, उसका प्यार है, उसका ट्रस्ट है, उसका केयर है, वो किसके लिए आ जाएगा, उस केयर गिवर के लिए जो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए रखा था, राइट। ये चीज है, और ये हम सभी देखते हैं कि बच्चे जो है अनजान व्यक्ति के पास जाने के बाद रोने लगते हैं, और कोई कोई बच्चे नहीं रोते हैं, जो नहीं रो रहे हैं उनके पास वो ट्रस्ट है, वो सेंस ऑफ रिलायबिलिटी है कि उनके साथ गलत नहीं होगा, बिकॉज उनके पास्ट में, उनके एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हो रहा है कि जो जानने पहचाने वाले लोग हैं उन्होंने कुछ गलत किया है। याद रखिएगा, छोटे बच्चे भी, इनफैक्ट इतने छोटे बच्चे भी गुड टच और बैड टच की भावना को समझते हैं, वो कभी रोने लगते हैं, कभी जो पॉजिटिव पर्सन होता है उसके पास आकर के बच्चे खुश होते हैं, शांत होते हैं, और जो थोड़े से नेगेटिव टाइप ऑफ पर्सन या फिर थोड़े से डिस्टॉर्टेड पर्सन होते हैं, जिनकी थिंकिंग थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड सी होती है, तो वैसे से लोगों के पास बच्चे जाने के बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं, तो बच्चे भी ये चीज महसूस कर सकते हैं, और ये चीज शुरू हो जाती है स्टेज 1 से ही, और इसी वजह से आता है यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आप भी खुद का परफॉर्मेंस बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल है www.dailywhites.in पर। गो देयर, बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप। स्टेज 2, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्ता या फिर शर्म या डाउट की इच्छा हो रही है। यहाँ पे कौन सा वर्च्यू मौजूद है, वो है विल, इच्छा। क्या इच्छा शक्ति है, उसके बारे में बात हो रही है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट इज टॉयलेट ट्रेनिंग और फीडिंग। यहाँ से देखो टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। अगर बच्चे में ये जो पर्सनल कंट्रोल है, ये अब धीरे धीरे फिजिकल स्किल्स से ज्यादा पर्सनल कंट्रोल के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, बिकॉज देखो टॉयलेट ट्रेनिंग की बात हो रही है तो ये पर्सनल कंट्रोल ही है। अगर वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो वहां पे आएगी ऑटोनोमी, स्वायत्ता। और अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बेड वेटिंग हो रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग के केस में बेड वेटिंग हो रहा है, वो चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, तो दैट लीड्स टू शेम एंड डाउट। उनको डाउट हो रहा है, खुद के ऊपर संदेह हो रहा है, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें चल रही हैं मन में। नाउ मूविंग टू स्टेज 3, दैट इज प्री स्कूल स्टेज, जहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट डेवलप हो रहा है। बच्चों की उम्र 4 से 5 साल है, यहाँ वर्च्यू जो है वो पर्पस है, जो फीलिंग है वो पर्पस की है। इवेंट क्या, इंपॉर्टेंट इवेंट है एक्सप्लोरेशन, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, राइट। बच्चे जो है एक पावर डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीजें वो कर लेंगे, ये चीजें वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं वो अलग अलग टाइप की चीजों को करने की, और अगर वो कर पा रहे हैं, उनको इनकरेजमेंट मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो वो कर लेते हैं। तो वहां पे जो कर लेने के बाद क्या आ रहा है, सेंस ऑफ पर्पस डेवलप हो रहा है, इनिशिएट कर रहे हैं चीजों को, मोटिवेशन मिल रहा है, सेंस ऑफ पर्पस डेवलप हो रहा है कि वो खुद से कर लेंगे, खुद को वो स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो गिल्ट खुद में डेवलप होता है, राइट। तो देखो इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या, कॉपरेशन विद पीयर्स, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू लीड अदर्स। आपने देखा होगा छोटे बच्चे गेम में खेलते हैं तो कोई एक होता है जिसके आगे पीछे सारे चल रहे होते हैं, डिसाइड करता है चीजों को, तो वो लीड कर रहे हैं। साथ में आप ये देख सकते हो कि ये छोटे छोटे स्किल्स जो है, टाइंग शू लेस को बांधना, अपने जिपर्स को लॉक करना, ड्रेस को खुद से ड्रेसअप होना, बाल खुद को स्टाइल करना, ये सारी चीजें ये सीखते हैं, ठीक। और अगर इस टाइम पे अगर जो वो करने की खुद से कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको मोटिवेशन मिला, हाँ सही है, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकती हो करके, अच्छा थोड़ा सा चेंज करके देखो ऐसे करके, जब हम उनको मोटिवेट करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ शब्दों का वही प्रयोग है, बस हमने अलग तरीके से यूज कर दिया है उसको, अलग टेंजेंट पे, अलग टोन में यूज कर दिया है, तो बच्चे के अंदर डेवलप होगा ऑटोनोमी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें, इनिशिएटिव लेना शुरू करेंगे, वो पर्पसफुल समझ में आएगा, उनको पर्पस समझ में आएगा, ठीक है। और अगर हमने डांटे, अरे ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो, रहे तो तुमसे नहीं होगा, शूज लाओ मैं पहना देती हूँ, मैं पहना देता हूँ, लेट हो रहा है, चलो जिपर्स लॉक करने की खुद से जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा, ऐसे करके जब हम बच्चों से बात करते हैं, तब वहां पे उनके अंदर वो भावना आती है कि शायद वो कर ही नहीं सकते हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो भावनाएं डेवलप होती हैं, वो इस वजह से कि हमने उनको क्या मोटिवेशन दिया है और क्या मोटिवेशन नहीं दिया है। अगर हमने उनको मोटिवेट किया कि हाँ ठीक, करते रहो, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस आएगा, अचीवमेंट आएगा। और अगर वो करना चाह रहे हैं, हमने मना कर दिया है, तो धीरे 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 उनका मोरल डाउन हो जाएगा, थोड़े से
पीछे किस्म के, दब्बू किस्म के बच्चे बन जाएंगे जो डरेंगे चीजों से, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ स्टेज, दैट इज मिडिल और लेट चाइल्डहुड, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक है। यहाँ पे वर्च्यू है कॉम्पिटेंस, खुद को हम किस तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक। अपने अंदर हीनता नहीं है, क्षमता की भावना आ रही है। इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है, स्कूल ज्वाइन हो चुका है, स्कूल में बच्चे पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब बच्चे जो है डायरेक्टली सोसाइटी के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो इनको नई नई सोशल नॉर्म समझ में आ रही है, एकेडमिक डिमांड्स हैं, उसको फुलफिल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये कर पा रहे हैं खुद से, उन्होंने जो एकेडमिक्स की डिमांड है, जो सोसाइटी की डिमांड है, जो फ्रेंड्स की डिमांड है, एक साथ जब वो बैठते हैं उन सब की जो डिमांड है, तो जब ये ऐसा कर लेते हैं तब इनमें आता है इंडस्ट्री। और अगर ये लैक करते हैं कहीं, तो इनमें आता है हीनता का भावना, इन्फीरियोरिटी की भावना आ जाती है, घर कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि स्कूल में एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी और सोशल ग्रुप्स बने हैं, तो बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे से भाग नहीं लेते हैं, खुद को पिछड़ा महसूस करते हैं और वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उनमें डेवलप हो चुका है इन्फीरियोरिटी, जिसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से उनके अंदर इनकॉम्पिटेंस की भावना आ गई है और अब वो खुद को इन्फीरियर मान रहे हैं, और जो एक्टिविटीज और स्कूल में काम है, सोशल ग्रुप्स हैं, इन सब में सामने आकर के काम करना है, ये सारी चीजें वो नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनका जो एकेडमिक वैल्यू है वो भी कम होते जा रहा है। चीजें वो मे भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उनमें बाकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो कुछ नया कर सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें घट जाती हैं। मूविंग टू स्टेज 5, एडोलेसेंस, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसमें हम बात करते हैं फिडेलिटी की, धोखा नहीं देना, ये सारी चीजें जो होती हैं, मतलब इट इज लाइक कि ऑन द एज, आप एज पे चल रहे हो। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, सोशल रिलेशनशिप्स। अब बच्चे जब थे तो कैसे भी चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो आप वो ढूंढना शुरू करते हो कि कहाँ पे आपको विश्वास है, ठीक है। आप जिससे बात कर रहे हो, आपको विश्वास है उन पे या नहीं है, आप उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। तो यहाँ पे सेल्फ और पर्सनल आइडेंटिटी की खोज की तलाश शुरू हो जाती है, ठीक है। व्यक्ति और जो बच्चे हैं वो खुद के लिए, यहाँ इस टाइम पे आप बच्चों से पूछो तो इनको क्लैरिटी होती है कि इनको, मोर और लेस क्लैरिटी होती है कि इनको अपने लाइफ के गोल्स क्या है, इनको क्या करना है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी तलाश कर रहे हैं। और कुछ बच्चों को नहीं होता है, जब नहीं होता है तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको क्या करना है, नहीं करना है, अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। लेट्स सी वॉट आई कैन डू इन माई फ्यूचर, मैं क्या पढ़ने वाली हूँ या मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, ये देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसे करके ये चीज़ों में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे है, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो खुद में ट्रू सेल्फ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। क्षमता होती है तो आप करने के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर से मोटिवेटेड रहते हो, और अगर नहीं हो पाता है, रोल कंफ्यूजन है, तो खुद वीकन सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप हो जाता है, आपके अंदर भ्रम हो जाता है कि आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, डर जाते हो, ये सारी चीजें आ जाती है, कंफ्यूजन से दिमाग बहुत ज्यादा भर जाता है। ये स्टेज 5 के बारे में। अब देखो की फीचर्स उसके कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं कि सिंस ये एडोलेसेंट का स्टेज है, तो इट इज कम्प्लीटली हु एम आई, आई मी माई सेल्फ, अपने आप को सेंट्रल स्टेज दे रखा है, इनको ऐसा लग रहा है कि सब लोग इन्हीं को देख रहे हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, अगर एक भी चीज गलत हो जा रही है तो यहाँ रोल कन्फ्यूजन का केस आ जा रहा है, ठीक है। और चीजें सही होते जा रही है तो आइडेंटिटी का केस बनते जा रहा है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी अक्वायर करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, और खुद को वर्ल्ड में स्थापित करें इसके लिए ये चीजों को देखते रहते, एक्सप्लोर करते रहते, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि एडोलेसेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, गैंग एज होती है, गैंग बना के रहना चाहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, अलग अलग चीजें वो एक्सप्लोर करते हैं, ताकि ये जो हु एम आई उनके बार बार दिमाग में आ रहा है, ये चीज को वो केटर कर पाए। और अगर सही से नहीं हो पाता है तो अगेन रोल कंफ्यूजन, शेम, डाउट, गिल्ट, ये सारी चीजें घर कर लेती हैं मन के अंदर। नाउ मूविंग टू स्टेज 6, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। स्टेज है ये 20 to 25 एज ग्रुप। यहाँ पे जो वर्च्यू है दैट इज लव, लव के ऊपर काम हो रहा है कि आप कितने इंटीमेट रिलेशनशिप में है, या रिलेशनशिप की तलाश चल रही है, ठीक है।
अगर ये चीज सक्सेसफुल है, यू हैव अ इंटीमेट रिलेशनशिप और लव रिलेशनशिप विद अदर्स, देखो यहाँ अदर्स की बात हो रही है, सिर्फ पार्टनर्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, इमोशनल नेकेडनेस है आपकी और आपके फ्रेंड्स के बीच में, तो ये सारी चीज़ें इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म कर रही हैं, तो यहाँ पे आएगा एक सेंस ऑफ प्लेजर, ठीक है। पर अगर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो पाता है, यू डोंट हैव फ्रेंड्स और मे बी फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, देन यू विल हैव एन आइसोलेशन, आइसोलेशन की फीलिंग आ जाएगी, खुद को अलग रखने की फीलिंग आ जाएगी। और अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, आपके पास इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं और स्पेशल फ्रेंड्स हैं, तो यू हैव अ फीलिंग कॉल्ड लव, आपको वहाँ पे लव बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होगा। और अगर नहीं हो पाता है तो सेंस ऑफ आइसोलेशन जेनरेट हो जाएगा, जहाँ पे यू कैन नॉट से कि हमने क्या किया नहीं किया, यहाँ पे आप धीरे 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 कंफ्यूजन वाले, गिल्ट वाले साइड पे चले जाते हो कि इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। सिंस इंटीमेसी यहाँ पे आ रही है, तो इसके एग्जाम्पल्स में हमें मैरिजेस देखने के लिए मिल सकता है, फ्रेंडशिप, लाइफ लॉन्ग टाइप फ्रेंडशिप देखने के लिए मिल सकती है, और अगर ऐसा नहीं है तो आइसोलेशन देखने के लिए मिल सकता है। और नाउ मूविंग टू सेवन स्टेज, जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, यहाँ पे वर्च्यू एक डेवलप कर रहा है केयर का, ठीक है। अब केयर आ रहा है तो दैट मीन्स, और शादी हो रही थी पिछले वाले उसमें, सिंस इंटीमेसी था शादी है, तो अब आते आते यहाँ पे पेरेंटहुड आ रहा है, राइट, पेरेंटहुड आ रहा है। और वर्क रिलेटेड, आपने खुद को आइसोलेट किया, बहुत अच्छी जगह आपकी जॉब लगी, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, वर्क प्रोफाइल स्ट्रेंथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एडल्ट्स हैं वो नर्चर करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को, देखते हैं बच्चे हैं उन सबको, बच्चों को मतलब बच्चे पैदा करना, उनको केयर देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। सेंस ऑफ यूजफुलनेस बना रहता है, अगर सक्सेसफुल आप होते हो तो आपने क्या किया, कुछ नया जनरेट किया है, राइट, तो सेंस ऑफ यूजफुलनेस बना रहता है। और अगर फेलियर हुआ तो ये आता है कि शैलो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड, आप इन्वॉल्व हैं वर्ल्ड में लेकिन दिमाग में के एक किसी कोने में खालीपन जमा हुआ है, तो जो चीज़ जमी हुई है तो वो स्टैग्नेंट हो रही है, तो जो स्टैग्नेंट हो रही है तो बहुत सारी चीज़ों को बाद में चल करके इफेक्ट करने वाली है, राइट। नाउ स्टैग्नेशन और जनरेटिविटी की फीचर्स क्या हैं, तो दैट इज कि जनरेटिविटी मीन्स कि बैक टू द नेक्स्ट जेनरेशन, आपने क्या किया, जेनरेट करके कुछ नए जेनरेशन को दे दिया है, तो क्या दिया आपने, बच्चे नेक्स्ट जनरेशन के लिए रेडी किए, और बच्चे हैं तो बच्चों को पाला भी है, साथ में अदर्स और कम्युनिटी, फैमिली एंड कम्युनिटी के लिए भी आपने काम किया है वॉलेंटरली, आपने खुद से ये काम किया है, वॉलेंटियर करके काम किया है, राइट। तो दीज ऑल विल गिव यू अ सेंस ऑफ जनरेटिविटी, पॉजिटिविटी आएगी यहाँ पे, और फिर आएगा स्टेग्नेशन, अगर नहीं कर पाए हैं ये सारी चीजें तो आपको इनसिक्योर फील होगा, मीनिंगफुल लाइफ नहीं लगेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, स्टेग्नेशन चला आएगा, रुके हुए हैं कहीं ऐसा वाला फीलिंग आएगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट स्टेज, स्टेज एट, इंटीग्रिटी वर्सेज डिसअपेयर, यहाँ पे स्टेज जो है वो 65+ वाले लोगों का है, विजडम की स्टेज है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइफ के ऊपर, उन्होंने लाइफ जो जी है उसमें वो क्या रिफ्लेक्ट बैक कर पा रहे हैं, बात उसकी हो रही है, ठीक है। तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी बातें बहुत इनलाइटनमेंट वाली होती हैं, ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है, अगर उन्होंने कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर लिया है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, तो यहाँ पे आता है इंटीग्रिटी, और अगर ऐसा नहीं है, फेलियर है, कहीं ना कहीं रिग्रेट है, बिटरनेस है, तो आता है सेंस ऑफ डिसअपेयर, जहाँ पे वो सोच रहे हैं कैसे हो गया नहीं हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर इनका दिमाग चल रहा है। तो जो विजडम है वो इस बारे में आ रहा है कि आप अपने इन्होंने जब ऐसे वाले लोग जो डिसअपेयर में जी रहे हैं वो बात करेंगे तो ये थोड़े से निराशावादी टाइप बात करेंगे, पर जो लोगों में इंटीग्रिटी है, जो सीख रहे हैं, नई चीज़ों को कर रहे हैं, दे आर जस्ट बाउंसिंग बैक टू लाइफ इन अनदर वे, वो क्या कर रहे हैं, अपने विजडम को वो रिफ्लेक्ट करके अपनी लाइफ पे लोगों में बांट रहे हैं, ये भी बांट रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि काश मैं ये कर सकती, काश मैं ये कर सकता, मैंने ये नहीं किया, लेकिन तुम ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, तो कहीं ना कहीं विजडम इनके पास भी है, लेकिन वो जो बाउंसिंग बैक और पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे हैं वो आएगी इंटीग्रिटी से, ठीक है। सो चलिए एक बार फिर से हम रैप कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या अभी पढ़ा है इस लेक्चर में।
हमने पढ़ा 8 स्टेजेस, जिसमें कि सबसे पहला स्टेज था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और यहाँ पे वर्च्यू डेवलप हो रहा था होप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ रहे थे ऑटोनोमी वर्सेस सेल्फ डाउट और शेम, यहाँ पे विल की बात हो रही थी, इच्छा की बात हो रही थी। थर्ड स्टेज वॉज इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, यहाँ पर्पस आ रहा था। इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, कॉम्पिटेंसी आ रहा था, हम कितना खुद को लायक समझ रहे हैं। फिफ्थ स्टेज आइडेंटिटी वर्सेज कंफ्यूजन, फिडेलिटी की बात हो रही थी। नेक्स्ट स्टेज इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, जहाँ पे लव और केयर की बात हो रही थी। जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, जहाँ पे प्योरली केयर की बात हो रही थी, हम वॉलेंटियरली क्या कर रहे हैं सबके लिए, इसकी बात हो रही थी। एंड लास्ट स्टेज इज इंटीग्रिटी वर्सेज डिसअपीयर, जिसमें कि विजडम की बात हो रही थी, पॉजिटिव और नेगेटिव वट एवर इट मे बी, बट इट इज टॉकिंग अबाउट विजडम। नाउ इन सब में हो क्या रहा था, टास्क क्या था? तो पहले वाले में अगर सही से चीजें की गई हैं, बच्चों को केटर किया जा रहा है उनके नीड्स को, तो उनको डेवलप होगा उनमें बेसिक ट्रस्ट, ठीक। अगर वो केटर नहीं किया गया है तो डेवलप होगा मिसट्रस्ट। देखो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि अगर एक बार मिसट्रस्ट डेवलप हुआ तो थोड़ा सा वो शेम एंड डाउट लाएगा, फिर गिल्ट लेके आएगा, तो ये धीरे 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 इधर 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 की ओर चलते चला जाएगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, कभी कभी हमारे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट और हमारे उस लेवल के जो नीड्स हैं उनको केटर कर लिया जाता है, तो ये इधर भी चला जाता है, इधर की ओर भी जाएगा। तो लाइफ एंड आर पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, ऐसे ऐसे हम मूव करते रहते हैं जिगजैग मूवमेंट में, कभी ये हो रहा होता है, कभी हम इंटीमेसी भी फील करते हैं, कभी हम आइसोलेशन भी फील करते हैं, दोनों बातें हो रही होती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड स्टेज इनिशिएटिव, सॉरी बात करते हैं सेकेंड स्टेज की ऑटोनोमी वर्सेज शेम एंड डाउट की, जहाँ पे बच्चे खुद में एक्सरसाइज करके बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और वो अगर खुद से कर पा रहे हैं तो उनमें सेंस ऑफ ऑटोनोमी स्वायत्ता की भावना जन्म ले रही है, और नहीं कर पा रहे उनमें शर्म और संदेह डेवलप हो रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट थर्ड स्टेज, यहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट है, जहाँ पे प्री स्कूल वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना काम खुद से करना शुरू करना चाहते हैं, अगर वो कर पा रहे हैं अपने प्लान्स को वो कैरी आउट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशिएटिव जैसा चीज, पर्पस जैसी चीज डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है, और नहीं कर पा रहे हैं तो गिल्ट और संदेह चला आ रहा है वापस से, जो यहाँ डाउट और शेम था वो अब गिल्ट के माध्यम से निकल के आ रहा है। फोर्थ स्टेज इज इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी, जहाँ पे बच्चे जो है प्लेजर सीख कर रहे हैं अपने आप, इंफीरियोरिटी वर्सेज इंडस्ट्री, जहाँ पे कि बच्चे खुद से काम कर रहे हैं, राइट, और काम अगर वो कर पा रहे हैं, जो चीजें उन्होंने सीख रखी वो अप्लाई करके नए टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उनमें आ रहा है इंडस्ट्री, और नहीं कर पा रहे हैं तो उनमें आ रहा है इंफीरियोरिटी। स्टेज फिफ्थ आइडेंटिटी वर्सेज कंफ्यूजन, जहाँ टीनएजर्स अपना ट्रू सेंस ऑफ सेल्फ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपना रोल्स डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा रोल क्या होना चाहिए, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हु आर दे, व्हाट आर देयर पर्पस, वो क्या करना चाहते हैं, व्हाट हैपेंस विद दिस, व्हाट हैपेंस विद दैट, वो कंप्लीट व्हाट 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 वाला स्टेज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप आप क्लोज नेटेड रिलेशनशिप्स में हैं, तो यू हैव अ कैपेसिटी टू इंटीमेट लव एंड केयर, तो वो वहाँ पे क्या आएगा, ये क्या गेन हो रहा है, इंटीमेसी गेन हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सेंस ऑफ आइसोलेशन गेन हो रहा है। नेक्स्ट इज जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, जो मिडिल एज पीपल होते हैं वो अगर ये सारी चीजें इंटीमेसी है इनके पास, इन्होंने आइडेंटिटी स्थापित कर ली, इंडस्ट्री थी, तो धीरे धीरे ये जनरेट करने की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ ये आइडियाज जनरेट करना शुरू करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड में अलग तरीके से, तो दिस इज हाउ दे जनरेट चीजों को, जो उन्होंने सीख रखा है वो अब सोसाइटी को कैसे वापस करना है, यहाँ पे ये इसके बारे में बात कर रही है, जनरेट कर रहे हैं। और नहीं अगर कर पा रहे हैं, अगर दे आर फीलिंग लैक ऑफ पर्पस, क्या करना है नहीं करना है समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पे है स्टैग्नेशन, चीजें रुकी हुई हैं, राइट। एंड लास्ट स्टेज इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर, जहाँ पे कि खुद को और खुद की लाइफ को रिफ्लेक्ट बैक किया जा रहा है ओल्डर पर्सन द्वारा,
और अगर चीजें उन्होंने अपने हिसाब से कर ली हैं, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, तो यहाँ पे जो क्राइसिस है वो इंटीग्रिटी और डिसअपियर के बीच में आएगा. इंटीग्रिटी, आपने इंटीग्रेट कर लिया है चीजों को, और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है, अफसोस है कहीं ना कहीं किसी चीज का, तो आएगा सेंस ऑफ डिसअपियर, जहां पे अफसोस होगा, सिर दर्द जिसको हम कहते हैं, सोचते ही रहते हैं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, काश में जो हम जी रहे थे वो वाली चीजें हो जाती हैं कि काश ये होता काश ये होता, ये इसके बारे में होता है. सो आप देख लो हर जगह पे कहीं ना कहीं जितने भी स्टेजेस हैं उन सब में दो कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है. अगर चीजें पॉजिटिव जा रही हैं तो ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी, इंटीमेसी, जनरेटिविटी और ईगो इंटीग्रिटी डेवलप हो रही है. और अगर चीजें नहीं सही से काम कर रही हैं तो मिसट्रस्ट, शेम, डाउट, इन्फीरियोरिटी, कन्फ्यूजन, आइसोलेशन, स्टैग्नेशन, डिसअपेयर, ये सारी चीजें जन्म ले रही हैं. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन, सेंटर क्वेश्चन हर जगह पे कुछ ना कुछ है, जैसे कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में सिक्योर रहने का है, इंडिपेंडेंट होने का है ऑटोनॉमी में, इनिशिएटिव में हम कितने पावरफुल हैं, कितने पर्पसफुली हम कोई काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री और इन्फीरियोरिटी में हम कितने गुड यानी कितने सही हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं किसी भी काम को करने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन में हम क्या आइडेंटिटी बना पा रहे हैं अपनी, हु एम आई, हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस, ये सारी चीजें हम केटर कर पा रहे हैं. इंटीमेसी में क्वेश्चन है लव का, जनरेटिविटी में जो चीजें हम रिटर्न बैक कर रहे हैं वो सही तरीके से हो पा रही है नहीं कर हो पा रही है इसके बारे में है, और ईगो इंटीग्रिटी इसमें हम बात कर रहे हैं जो हमने किया है ह्यूमन काइंड के लिए वो सही है या नहीं, हम कर पाए हैं या नहीं, रिफ्लेक्शन यहाँ पे चल रहा है. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें. और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स. गॉड ब्लेस यू ऑल.